बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद फाइनली आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ गाइस, तो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। और 21 दिनों तक इस तेल को अपने बालों में लगाने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिला है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो ना 100% नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो आप लोग बेझिझक इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप इस तेल को खरीदना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि इसको लगाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो इस वीडियो को देखिए। आई एम श्योर कि इसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा इस तेल के बारे में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड इफ यू आर न्यू देन हाई, माई नेम इज रूपा। मैं अपने चैनल पे स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज के बहुत सारे वीडियोज अपलोड करती हूँ। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर है, और आज मैं जिस ऑयल को रिव्यू कर रही हूँ वो है फिलोरी आदिवासी हेयर ऑयल। अब ये ओरिजिनल आदिवासी हेयर का जो एड आता था वो वाला ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल नहीं है, क्योंकि दैट इज वेरी मच एक्सपेंसिव और उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1000 के ऊपर है शायद। लेकिन आदिवासी हेयर ऑयल इस नाम से बहुत सारे कंपनीज ऑयल निकाल रही है। जैसे पहले मैंने रिव्यू करा था जोगेश्वरी आदिवासी हेयर ऑयल को, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ फिलोरी आदिवासी हेयर ऑयल को। इसका रीजन ये है कि फिलोरी के ना अभी आदिवासी हेयर ऑयल निकला है, उसके बाद इसका शैम्पू भी निकला है, और ये फिलोरी नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट एक एक करके निकल रहे हैं मार्केट में। एंड रिव्यू में जाकर भी मैंने देखा कि इसका रिव्यू काफी अच्छा है, सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, और इसीलिए मैं आज इस ऑयल को रिव्यू कर रही हूँ। इस ऑयल को मैंने 21 डेज के लिए लगाया था। लगाने का जो प्रोसेस था वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। एक्चुअली इस ऑयल को मैंने काफी ज्यादा लगाया है टेस्ट करने के लिए, तो हफ्ते में 7 दिनों में तो पहला 3 दिन इस ऑयल को मैं लगा रही थी, एंड उसके बाद फिर एक दिन शैम्पू कर रही थी, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तेल को मैं अपने बालों में कंटिन्यूअसली लगा रही थी सारा दिन में 2 बार, एंड देन मैं थर्सडे को शैम्पू कर रही थी। उसके बाद थर्सडे इवनिंग पे फिर मैं इस तेल को लगा के देख रही थी कि रात में रखने के बाद क्या होता है, देन फ्राइडे को लगा रही थी, सैटरडे को लगा रही थी, उसके बाद संडे को फिर से मैं बालों को शैम्पू कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने 21 डेज के लिए इस तेल को अपने बालों में लगाया। सो गाइस, फिलोरी आदिवासी हेयर ऑयल का जो पैकेजिंग है उसमें नया कुछ नहीं है, जो जोगेश्वरी का आदिवासी हेयर ऑयल था उसी की तरह ये डिटो सेम टू सेम है। मतलब इसमें जो पिक्चर्स दिया है, जो जो लड़कियों के एंड एक आदमी का भी पिक्चर दिया हुआ है जिनके बाल काफी लंबे हैं, और यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज लिखे है जो जोगेश्वरी आदिवासी हेयर ऑयल में लिखा था। फ्रैग्रेंस भी उसी की तरह सेम है। इंग्रेडिएंट्स में इसमें दिया है कोकोनट ऑयल, भृंगराज लीव्स, दशवाला करी लीव्स, हरितकी, तुलसी, जटावानसी, हीना लीव्स, वेटिवर लीव्स, एलोवेरा जेल, प्योर नेचुरल आनियन ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल, रॉसबेरी ऑयल। एंड यहाँ पे कॉशन में लिखा है कि इसको आंखों में नहीं लगाना चाहिए, जो ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट में लिखा रहता है। बच्चों से दूर रखने की सलाह दी गई है, और अगर आपको इससे कोई इरिटेशन होता है तो डेफिनेटली इसको वॉश करने का भी सलाह दिया गया है। एंड गाइस, इसका प्राइस था, इसका जो एमआरपी है दैट इज 499 रुपीज, 100 ml का एमआरपी है, लेकिन मैंने इसको जिससे खरीदा था जिस प्राइस से वो मैं साइड में दे दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भूल गई हूँ, बहुत टाइम पहले मैंने इसको खरीदा था। तो प्रोडक्ट का पैकेजिंग आपने देख लिया है। अच्छा, इसका जो कलर है ना दैट इज एग्जैक्टली डार्क ग्रीन कलर, और इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो हेयर एंड केयर ऑयल के फ्रेग्रेंस के साथ 101% मैच करता है, मतलब जुड़वा हो सकता है। तो इसके जो ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि इसमें जो कलर है दैट इज नॉट नेचुरल कलर, ये आर्टिफिशियल कलर है वो। अच्छा, ये पैराबिन और सल्फेट फ्री है कि नहीं वो नहीं लिखा है। लिस्टेड इंग्रेडिएंट्स में यही सारे इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया गया है, अनलिस्टेड कितने इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर छुपा हुआ मुझे नहीं पता है। सो यहाँ पे दिया है कि हेयर फॉल स्टॉप करेगा, डैंड्रफ को दूर करेगा, हेयर ग्रो करेगा, न्यू हेयर आएंगे, मतलब नए बाल आएंगे आपके। सो एक्चुअली मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दी आप फिलोरी आदिवासी हेयर ऑयल का भी एक बार रिव्यू कर दो, तो इसलिए मैंने इसको खरीदा। तो गाइस, सबसे पहला जो चीज मैं इस तेल के बारे में बताने वाली हूँ, इस तेल को मैंने डे एंड नाइट दोनों टाइम पे ही लगाया है, मॉर्निंग के टाइम पे एक बार और नाइट के टाइम पे एक बार, ये देखने के लिए कि ये ऑयल कैसा काम करता है। इस ऑयल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताने से पहले चलिए जानते हैं गाइस कि 21 दिनों तक अगर आप किसी भी तेल को अपने बालों में लगाते हैं तो उससे आपको क्या क्या पता चल सकता है। तो यहाँ पे हेयर ग्रोथ और हेयर रीग्रोथ का कुछ पता नहीं चलता है, वो सबसे पहले आप उनको साइड कर दो। लेकिन आपको स्कैल्प में ईचिंग हो रही है कि नहीं, डैंड्रफ अगर आपके स्कैल्प में है वो बढ़ रहा है कि नहीं, आपके स्कैल्प में फूसी दाने आ रहे हैं कि नहीं, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपको स्कैल्प में किसी भी तेल को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लगाने के बाद अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो उससे आपका ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो स्कैल्प में खुजली अगर हो रहा है ना किसी भी तेल को लगाने के बाद तो वो तेल डेफिनेटली सूट नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसको लगाना बंद कर देना चाहिए। तो गाइस, चलिए अब एक एक करके इस तेल के प्रोज और कॉन्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। इस तेल को लगाने के बाद हेयर फॉल इंक्रीज भी नहीं करा, डिक्रीज भी नहीं करा, मेरा अभी फिलहाल इतना ही हेयर फॉल हो रहा है, आप साइड में देख रहे हो।
तो ये बहुत ही मिनिमम हेयर फॉल है और साल के इस टाइम पे मुझे सबसे कम हेयर फॉल होता है हर साल, लेकिन समर आते आते हेयर फॉल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इस तेल को लगाने के बाद भी हेयर फॉल इंक्रीज भी नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ, एज इट इज था। और एक चीज, अगर डैंड्रफ की बात करें तो फिलहाल मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं है, लेकिन स्कैल्प में इस जगह पे ना थोड़ी सी एक छोटी सी फूसी हो गई है और उसमें थोड़ी सी इचिंग हो रही है और वहां से कुछ रैशेस वगैरह निकल रहे हैं, मतलब वहां पे थोड़ी सी खुजली हो रही थी। तो इस तेल को लगाने के बाद वहां पे जो इचिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ गई थी, सो दैट वाज अ प्रॉब्लम विच आई फेल्ट। सो ये एक प्रॉब्लम था जो मैंने फील करा है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर इस प्रोडक्ट के टेक्सचर के बारे में मैं बात करूं तो ये एकदम लाइटवेट है, नॉन स्टिकी है और लगाने के बाद समझ में नहीं आता है कि आपने बालों में लगाया है। अगर आपने हेवी ऑयलिंग करा है इस तेल से तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने हेवी ऑयलिंग नहीं करा है तो ये ना एकदम सिरम की तरह काम करता है, बहुत ही लाइटवेट। अगर मैं कॉन्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला कॉन मुझे ये लगा जब मैंने इस तेल को लगातार लगाया अपने बालों में 21 डेज के लिए, तो एक चीज मैंने फील करा है, मेरे स्कैल्प में तो इचिंग नहीं हुई लेकिन ओवर ऑयलिंग की वजह से मेरे चेहरे पे बहुत जगह पे कुछ छोटे छोटे रैशेस वगैरह निकल आए थे और उसमें थोड़ी सी खुजली भी हो रही थी, इचिंग भी हो रही थी। ये था पहला प्रॉब्लम। दूसरी चीज, अगर आपको मेरी तरह साइनस की प्रॉब्लम है तो इसको रात में लगाने के बाद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब मैंने इस तेल को लगा के रखा था तो मेरे गम्स में दर्द होना शुरू हो गया। मतलब ये तेल उन लोगों के लिए नाइट पे लगाना ठीक नहीं होगा जिनको साइनस की प्रॉब्लम है। और तो कुछ मुझे इस तेल के बारे में खराब नहीं दिखा, क्योंकि ऑब्वियसली इससे मेरा हेयर फॉल इंक्रीज नहीं हुआ, मेरे स्कैल्प में इचिंग वगैरह नहीं हुआ, एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो ये तेल मेरे लिए ठीक ठाक था, इससे मुझे कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं हुआ अपने बालों में। जोगेश्वरी का आदिवासी हेयर ऑयल लगाने के बाद मेरे स्कैल्प में काफी प्रॉब्लम हो गया था, इचिंग हो रही थी और बहुत सारे बाल झड़ रहे थे। सो उसने कुछ नेगेटिव रिएक्शन दिया, बट इसका जो रिएक्शन था ये 100% पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव मुझे फील नहीं हुआ। ओके गाइस, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इस तेल को आप फिर से लगाओगे अपने बालों में, यस मैं इस तेल को अपने बालों में फिर से लगाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि ये तेल स्कैल्प के लिए ठीक है, क्योंकि अगर कुछ खराब होता तो 21 डेज में मुझे पता चल ही जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ये था मेरा आज का वीडियो, फिलोरी आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर था ये रिव्यू। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, जहां जितना हेयर फॉल हुआ है वो आपको साइड में दिख जाएगा, इतना ही हेयर फॉल हो रहा है ऑन एन एवरेज मुझे शैम्पू से पहले, सिर्फ ऑयलिंग करने के बाद एंड शैम्पू के बाद भी इतना ही हेयर फॉल हो रहा है, और ओवरनाइट इस तेल को रखने के बाद भी हेयर फॉल इंक्रीज नहीं हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी सवाल है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।